आगामी लोकसभा चुनावों में राजौरी अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अलग भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक तस्वीर के लिए जानी जाने वाली ये सीट जम्मू कश्मीर की राजनीति में आ रहे बदलाव को दिखाती है। ये लोकसभा सीट 2022 में हुए परिसीमन के बाद बनी। इस लोकसभा क्षेत्र में कश्मीर के अनंतनाग इलाके को जम्मू के पुंछ और राजौरी के साथ जोड़ा गया। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक राजौरी और पुंछ के अनंतनाग में विलय के साथ वोटिंग के तरीके में काफी बदलाव आया है। इलाके में करीब आधी आबादी कश्मीरियों की है, जबकि जीत हार में अहम रोल निभाने वाले पहाड़ी वोटर 28.5% और गुज्जर वोट 21.5% है। अनंतनाग पहले भी एक हसास सेगमेंट माना जाता था, क्योंकि यहाँ से जो भी रिजल्ट निकलता था उसका इम्पैक्ट पूरे नॉर्थ कश्मीर तक जाता था। तो अब चूंकि डिलिमिटेशन के बाद जो इसकी जो खदुखाल में तब्दीली आई है, इसमें एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक रिश्ता बन गया है, इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा तजस्सुस में भी है और बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा हम कहेंगे कि इम्पैक्ट पड़ गया, बहुत सारा नज़रें हैं इस पर, तो और बड़ा मुकाबला भी है। राजौरी अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के कुछ वोटरों का कहना है कि वे उस पार्टी को वोट देंगे जो इलाके में विकास लाएगी और नौकरियों के मौके बढ़ाएगी। वोटरों ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। जम्मू कश्मीर में 5 साल से चुनी हुई सरकार नहीं है। अगस्त 2019 में उसका राज्य का दर्जा खत्म कर उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। जो हमारा काम करेगा यहाँ तो डेवलपमेंट हो जाएगा, रास्ते बन जाएंगे, सड़कें बन जाएंगे, बिजली आते हैं, राशन देंगे, हम उसी को वोट देंगे और किसी को नहीं। काफ़ी टाइम से यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, हम चाहते हैं इलेक्शन होना चाहिए। हाँ, कोई नुमाइंदा है जो हमारे पास नुमाइंदा आएंगे ना, हम उसी को वोट देंगे जो हमारा काम करेगा यहाँ अश्म काम में। खास कर रीज़न रहेंगे डेवलपमेंट और बेरोज़गारी। नौजवान देखो, हर एक घर में दो दो चार चार MSCM फिल करके बच्चे डिग्रियां करके अनएम्प्लॉय है और माँ बाप के कंधे पे बोझ ही है अभी। अगर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इनके लिए राहत की कोई पैकेज लाए, कि इनके लिए कोई पैकेज लाए, तो तब लगता है कि गेन कर सकता है, वो पार्टी गेन कर सकती है। इसके लिए इलाके के कुछ वोटरों को नेताओं के लिए वादों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है कि इन नेताओं के किए गए वादे कई बार अधूरे रह गए। हम तो वोट किसी को नहीं करता है आज तक, तो मगर यह तो बाकी लोकल लोग तो करते हैं, आवाम करेगा वोट, हम किसको करेंगे? हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, यहाँ कोई चीज नहीं है। मेरे बिजली बिल यहाँ तो यहाँ मीटर लगा हुआ है, गरीब को 2,000-3,000 बिल आती है, बाकी आवाम को कुछ नहीं। आवाम उसकी उस वक्त चाहिए जिस वक्त इलेक्शन होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने 2019 के चुनाव में अनंतनाग लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक राजौरी अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। जम्मू कश्मीर से 5 सांसद लोकसभा में जाते हैं। 2019 में इनमें से 3 सीटें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई के महीने में कराए जा सकते हैं।